मंडलकारा में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से उसके बेटे और भतीजे ने सोमवार को मुलाकात की। करीब 35 मिनट की मुलाकात में हालचाल पूछने के साथ ही स्वास्थ्य और सुरक्षा की जानकारी भी ली गई। कुछ देर एकांत में बात की, हालांकि सीसीटीवी कैमरे से उनकी निगरानी होती रही। पंजाब की रूपनगर जेल से माफिया मुख्तार अंसारी 6 अप्रैल 2021 को मंडल कारागार बांदा शिफ्ट किया गया था। उसके यहां आने के बाद से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सोमवार को माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा उमर और भतीजा मंसूर जेल में पहुंचे, जहां दोनों की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट देखने के बाद जेल मैनुअल के अनुसार मुलाकात कराई गई। मुलाकात के समय बंदी रक्षक कुछ दूर पर निगरानी में मौजूद रहे। इसके अलावा अलग से भी काफी देर तक तीनों लोग गुफ्तगू करते रहे। जेल अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जेल के सुरक्षा इंतजाम मजबूत है, मुलाकात नियम अनुसार कराई गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मुख्तार अंसारी की बीवी और उनके बेटे मुख्तार अंसारी से मुलाकात कर चुके हैं और नियम के अनुसार वो जब भी मुलाकात का वक्त आता है तो मुख्तार अंसारी को जेल कर्मी उनके परिवार से मुलाकात कराते हैं। इससे पहले मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कोर्ट में जाते रहे हैं, जहां वो जेल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते रहे हैं। अब सवाल ये है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, ऐसे में सवाल खड़ा करना क्या नया तरीका है या फिर मुलाकात का नया बहाना?